वेलकम टू एशियाज यंग गाइस। इस वीडियो में हम साइंस वन चैप्टर वन ग्रेविटेशन पार्ट टू करेंगे। तो हमने चैप्टर ग्रेविटेशन स्टार्ट किया था, हमने यहाँ तक कवर किया है ऑलरेडी। तो आप पार्ट वन वीडियो देख सकते हैं, इसके लिए हमारा ये हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स तक कवर हुआ है ये रहा। तो इसके बाद हम आगे अब देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे आगे है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स में हमको सबसे पहले जो समझना है वो है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ का है वो उसका वैल्यू हमने ऑलरेडी देखा है। फोर्स का वैल्यू एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमको मिलता है। और अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू ये है, डायरेक्शन क्या होगा, ग्रेविटी पुल करती है सेंटर ऑफ द अर्थ से, ग्रेविटी पुल करती है तो सेंटर ऑफ द अर्थ से होगा। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसका डायरेक्शन क्या होगा ये रहा। तो सेंटर ऑफ मास अर्थ का सेंटर है क्योंकि स्फीयर है, ऑलमोस्ट अ स्फीयर, तो सेंटर पे उसका सेंटर ऑफ मास है। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है, तो ऑब्जेक्ट इसीलिए ऑब्जेक्ट कभी भी होते हैं अर्थ से जो नीचे गिरते हैं क्योंकि ग्रेविटी उसको सेंटर की तरफ पुल हो रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर पुल आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑन द अर्थ। तो ये अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स सिंपल है, हमको ऑलरेडी पता है, ये मेंशन है यहाँ पे। सॉल्ट एग्जाम्पल्स का हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें कवर करेंगे। यहाँ पे यूज योर ब्रेन पावर देख लेते हैं। तो ये लिखा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात मैंने यहाँ भी की, अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। ये है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका फॉर्मूला ये है, ये आपको याद रखना है। एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर। तो जी क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, इसकी फिक्स्ड वैल्यू है। एम वन एम टू ये दो मास है और डी ये है। अभी यहाँ पे कैसा है, हम जब अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं तो ये एम वन समझ लो अर्थ है, तो ये सेंटर ऑफ द अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट गिरेगा सेंटर की तरफ, मतलब अर्थ की तरफ, वर्टिकली डाउन ही गिरेगा ना, तो वो बात मेंशन की गई है। तो ये अर्थ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स किया, यहाँ पे भी उसी के बारे में मेंशन है यूज योर ब्रेन पावर में कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसमें एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। यस, तो इफ अर्थ अट्रैक्ट्स एन एप्पल, एप्पल उसके ऊपर गिरता है, अर्थ को भी एप्पल अट्रैक्ट करता है, फिर एप्पल क्यों अर्थ की तरफ गिरता है, अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं गिरता, ऐसा करके सवाल पूछा गया है। ऑफकोर्स ऐसे नहीं होगा क्योंकि एप्पल का मास बहुत कम है, जिसका मास ज्यादा है उसका फोर्स ज्यादा है, तो इसीलिए ये नहीं होता है। और यहाँ पे और एक स्टेटमेंट मेंशन किया है कि मून और अर्थ का भी वैसे ही है, जैसे एप्पल और अर्थ का बोलेंगे वैसे मून और अर्थ है, मून अर्थ को पुल करता है, अर्थ भी मून को, दोनों के ऊपर एक दूसरे का ग्रेविटेशनल फोर्स है पर मून का मास कम है, तो मून का ग्रेविटेशनल पुल अर्थ की तरफ कम होगा। और फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अगर रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है अर्थ के अराउंड, तो वो अर्थ की ग्रेविटी में है, लेकिन अगर कोई और प्लैनेट की तरफ जा रहे हैं, जैसे मार्स पे हम सैटेलाइट भेज रहे हैं, तो फिर वो तो अर्थ ग्रेविटेशनल पुल को छोड़ के बाहर निकल जाएगी। तो अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अर्थ को ऑर्बिट कर रही है और मून अर्थ को ऑर्बिट कर रही है, तो वो अनलाइक द फॉलिंग एप्पल, दे डू नॉट फॉल ऑन द अर्थ। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द मून एंड द सैटेलाइट अलोंग देयर ऑर्बिट इज देयर, तो वो लोग के भी खुद का वेलोसिटी है, वो लोग का खुद का भी फोर्स लग रहा है, वो वेलोसिटी में जा रहे हैं और वो अर्थ की पुल जहां तक पहुंचती है उतना ही वो पुल कर पाएगी, पूरा नहीं पुल कर पाएगी। एप्पल तो वजन नहीं है इतना, तो वो एप्पल पूरा जमीन पे आ जाता है। अगर मून का मास भी काफी कम हो गया या सैटेलाइट का भी काफी कम हो गया या वेलोसिटी बंद हो गई, तो वो भी अर्थ पे गिर जाएगी, लेकिन वो लोग की खुद की वेलोसिटी से भी वो मूव हो रहा है। हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में मूव होता है क्योंकि बिग बैंग जो हुआ था, बिग बैंग थ्योरी से यूनिवर्स बना था जो पूरा स्प्रेड हुआ था, तो हर एक ऑब्जेक्ट मोशन में, तो वो अपने मोशन में भी जाता है, उसकी वेलोसिटी भी चलती है और अर्थ पुल भी करता है, इसीलिए एक पॉइंट पर जाके वो अटक के मून अर्थ के राउंड ऑर्बिट करते हैं, वैसे ही आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी। फिर आगे है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। तो अभी एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमने ऑलरेडी देखा है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको याद होना चाहिए, उससे हमको पता चलता है कि फोर्स अगर लगाएंगे बॉडी को तो एक्सिलरेशन होगा। न्यूटन के तीन लॉज है, हमने फर्स्ट पेज पर डिस्कस किया था, आप पीपीटी वाला भी वीडियो देख सकते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमको ये पता चलता है एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सिलरेशन। तो अगर फोर्स बढ़ाना है, एक्सिलरेशन बढ़ाना है, तो फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। तो फोर्स और एक्सिलरेशन का डायरेक्ट कोरिलेशन है। अभी एक्सिलरेशन जो है ये तो नॉर्मल एक्सिलरेशन होता है, जैसे गाड़ी को एक्सिलरेट कर रहे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी,
वो तो है, लेकिन हम कौन सी बात कर रहे हैं, हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, मतलब जब फोर्स से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, अर्थ के सेंटर की तरफ जो ग्रेविटी पुल हो रहा है, तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो वो जो एक्सेलरेशन होता है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, और उसके लिए स्मॉल ए नहीं स्मॉल जी डिनोट किया जाता है। तो स्मॉल ए जनरल एक्सेलरेशन है और स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो है। और ये एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, मतलब डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, वैल्यू भी होगा। और हमको ऑलरेडी पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन विल बी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात हो गई। थिंक अबाउट इट, में यहाँ है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी नहीं होता। तो अगर ग्रेविटी नहीं होता मतलब कुछ भी जो जहाँ रहता वहीं पे रह जाता, कोई किसी पे पुल नहीं आता, तो अगर ऐसा होता तो फिर प्लैनेट्स अर्थ सन के अराउंड नहीं घूमता, प्लैनेट्स नहीं घूमते, मून अर्थ के अराउंड नहीं घूमता, और पूरा जो लाइफ एज वी नो इट विल नॉट एग्जिस्ट। तो इसका आंसर ये आएगा, देयर वुड बी नो फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स एंड लाइफ एज वी नो इट। तो ये इसका आंसर आएगा, कुछ नहीं होगा, ग्रेविटी नहीं होगा तो ये जैसे हम समझ रहे हैं वैसे हर चीज नहीं होगी, सोलर सिस्टम ही नहीं होगा। तो व्हाट वुड हैपन इफ द वैल्यू ऑफ जी वाज ट्वाइस एज लार्ज, तो अगर जी मतलब कैपिटल जी, जो हमने फॉर्मूला किया न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है, यहाँ पे लिखा भी है देखो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर जी कैपिटल जी डबल हो जाएगा तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स भी डबल हो जाएगा, 2g हो जाएगा फॉर्मूले में, तो वो भी डबल हो जाएगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डबल हो जाएगा। तो वो है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला है, देखो यहाँ मिलेगा हमको जी एम अपन आर स्क्वायर, वो कैसे आता है यहाँ पे मेंशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि इसके बेसिस पे, ये फॉर्मूला के बेसिस पे भी काफी सारे क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स वो इसके ऊपर है। तो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो आपको क्लियर होना चाहिए, अगर मास ऑब्जेक्ट का m है, कैपिटल m मतलब मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट, r इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो r मतलब हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके अर्थ के सर्फेस तक जो डिस्टेंस होगा वो तो अर्थ का रेडियस होगा, उसके आगे जो है अर्थ के ऊपर जैसे 1 किलोमीटर पे ऑब्जेक्ट है या जो भी है तो प्लस 1 किलोमीटर भी आएगा, मतलब कैपिटल r प्लस दैट डिस्टेंस, तो स्मॉल r होता है वो, तो जी एम एम अपन आर स्क्वायर। और फोर्स का हमें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से भी पता है, एफ इज इक्वल टू एम जी, मास इंटू एक्सिलेशन, मास इंटू एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो 3 और 4 ये दो अलग तरीके से हम फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये समझ में आ रहा है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, और ये न्यूटन सेकेंड लॉ से एफ इज इक्वल टू एम जी। 3 और 4 दो अलग तरीके से दोनों फोर्स की बात कर रहे हैं, दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो अब ये दोनों का राइट हैंड साइड हम इक्वल कर सकते हैं क्योंकि दोनों फोर्स है, तो हमने क्या लिखा, एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपन आर स्क्वायर, और ये m मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल m, तो दोनों साइड से वो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया g इज इक्वल टू जी एम अपन आर स्क्वायर, तो ये नया इक्वेशन आ गया। अब ये r जो स्मॉल r है उसको हमने कैपिटल r बना दिया, ये स्मॉल r कैपिटल r कैसे हो गया, क्योंकि कैपिटल r इज रेडियस ऑफ अर्थ, अब रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 × 10⁶ मीटर, मतलब आप समझ सकते 6.4 के बाद कितने जीरो, 6 और 6 4 और 5 0, ऐसा मतलब, तो इतना जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसके अंदर कितना मीटर आप जाएंगे, कितना मीटर हाइट ऑब्जेक्ट का होगा, तो वो ऐड थोड़ा सा मीटर ऐड करेंगे हम लोग तो वो मीटर से इतना आर को फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वैल्यू तो इतना सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होगी, तो इसलिए स्मॉल आर को हम कैपिटल आर ही रख सकते हैं कि उसको उतना डिस्टेंस को इग्नोर कर दो, तो ये आर इज इक्वल टू आर कर देते तो ये जी एम अपन आर स्क्वायर आ जाता है। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है, यहाँ जी भी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज मास ऑफ अर्थ अ कांस्टेंट, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ व्हिच इज अगेन अ कांस्टेंट। तो ये जो है हर की वैल्यू देखो 6.67 × 10⁻¹ⁱ जी की वैल्यू होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, हमने इनिशियली किया page 2-3 पे ये मेंशनड है, और ये है मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁴ kg, यस मास तो अर्थ का चेंज नहीं होता इतना ही रहेगा, और रेडियस ऑफ अर्थ भी 6.4 × 10⁶ स्टैंडर्ड है, इसको स्क्वायर करना है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो ये जब कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू क्या आती है 9.77 m/s², तो ये 9.77 अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है फिक्स्ड है, 9.77 या 9.8 तो उतना ये फिक्स्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब मास कितना भी कम ज्यादा हो ऑब्जेक्ट का उससे फर्क नहीं पड़ता, उसका एक्सेलरेशन यही रेट पे होगा।
तो मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, छोटा हल्का ऑब्जेक्ट है कि भारी ऑब्जेक्ट है, उसका एक्सीलरेशन जो स्पीड से वो नीचे आएगा वो एक्सीलरेशन सेम होगा। तो ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। ये स्टेटमेंट याद रखो, ये स्टेटमेंट आपको कैसे भी आ सकता है, ये स्टेटमेंट आपको इवन यू नो ये करके भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ये मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कैन यू टेल है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इफ इट्स मास वॉज ट्वाइस एज लार्ज एंड इट्स रेडियस हाफ ऑफ वॉट इट इज नाउ। इसका क्या मतलब हुआ कि जी की वैल्यू कितनी होगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको मिला जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला प्लीज याद रखना क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। तो ये फॉर्मूला में अगर वैल्यू ऑफ जी कितनी होगी, इफ मास एम जो है वो डबल हो गया, इफ इट्स मास वाज ट्वाइस 2m हो गया एंड रेडियस जो है वो हाफ हो गया। तो ये देखो यहाँ पे हमने किया है, ये मार्च 2019 में एक्चुअली क्वेश्चन पूछ चुके, तो ये भी हमने सॉल्व न्यूमेरिकल्स में सॉल्व किया है, पूरा ये सेम टू सेम कैन यू टेल जो है वो मार्च 2019 में पूछा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे हमको फॉर्मूला सम ही है, मतलब या 2m करना है या यहाँ पे r अपॉन 2 करना है, तो r अपॉन 2 द होल स्क्वायर मतलब r अपॉन 4, तो 4 एक्चुअली न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो g की वैल्यू 8 टाइम्स हो जाएगी एक्चुअली। तो ये है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ g, तो वेरिएशन मतलब चेंजेस, तो जी की वैल्यू में चेंजेस हो सकते हैं, हमने देखा जी इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर और ये चेंज नहीं होता है, लेकिन एक्चुअली चेंजेस होते हैं और ये तीन स्पेसिफिक कंडीशंस है जब चेंज होते हैं, ए बी और सी। तो ए क्या है, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के सरफेस पे भी अलग अलग जगह पे अलग अलग जी होगा। एक तो स्टैंडर्ड जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, लेकिन अलग क्यों होगा, क्योंकि अर्थ जो है हम कह रहे हैं कि स्फीयर है बट एक्चुअली वो एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, तो अर्थ रोटेट होता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या हो जाता है, अर्थ का शेप थोड़ा चपटा हो गया है, पोल से चपटा है, फ्लैट है और इक्वेटर से जो है ऐसे पेट बाहर आ गया, ऐसा बल्ज हो रहा है, तो अर्थ का शेप क्लियर स्फेरिकल नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, रेडियस जो है ना अर्थ का, वो रेडियस भी हर पॉइंट पे सेम नहीं, तो इक्वेटर की तरफ रेडियस देखेंगे तो ज्यादा होगा और पोल्स की तरफ कम होगा। एक अर्थ का डायग्राम भी देख लेते हैं, ये देखो ये पोलर डायमीटर और इक्वेटोरियल डायमीटर फर्क है, 756 से 12,714 है, मतलब 43 किलोमीटर का फर्क है। तो रेडियस में भी देखेंगे तो अराउंड 27 बोल सकते हैं, अराउंड 26-27 किलोमीटर का फर्क होता है। तो ये जो है ये इसकी वजह से जो अर्थ का शेप की वजह से जो है रेडियस एक्चुअली चेंज होता है, तो हम आर यहाँ पे रेडियस अर्थ का एक ही एक कॉन्स्टेंट है मान रहे, लेकिन फैक्ट ये है कि अर्थ स्फीयर नहीं है, तो इक्वेटर की तरफ रेडियस ज्यादा है और पोल्स की तरफ रेडियस कम है। तो अगर रेडियस कम है मतलब के ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा, इनवर्स रिलेशन है आर डिनोमिनेटर में, रेडियस कम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा, रेडियस ज्यादा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम, सो ग्रेविटेशनल पुल इज लोवेस्ट एट द इक्वेटर हाइएस्ट एट द पोल्स। तो यही लिखा है यहाँ पे, वो वैल्यू भी कितना फर्क है देखो, 9.83 है और ये 9.78 है, तो ये फर्क है, तो ये समझ में आना चाहिए। फिर बी क्या है, चेंज विथ हाइट, हाइट कैसे, रेडियस ऑफ अर्थ तो फिक्स्ड है 6.4 × 10⁶ दैट इज 64,000 किलोमीटर, और इसके ऊपर अगर एरोप्लेन लेंगे तो एरोप्लेन की हाइट तो सिर्फ 10 किलोमीटर है, तो इतना फर्क नहीं होगा, तो वो वैल्यू आर जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की चेंज नहीं होगी, क्योंकि जी एम अपॉन आर मास तो नहीं चेंज हो रहा है, आर जो चेंज हो रहा है तो आर भी इतना नहीं चेंज हो रहा है, प्लस 10 किलोमीटर से कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट लेंगे जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर है ऊपर, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, तो उसके वजह से वैल्यू ऑफ जी में लार्ज चेंज आएगा, तो वैल्यू ऑफ जी चेंजेस विद हाइट, नॉट विद स्मॉल हाइट बट एज हाई एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की हाइट, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी चेंज होगा, जितना दूर जाएगा उतना ग्रेविटेशनल पुल कम हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे टेबल भी दिया गया कि कितनी हाइट पे कितना फर्क पड़ता है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे 9.77 है तो उसको हमने 9.8 ले लिया यहाँ पे, ऐसे सरफेस ऑफ अर्थ एवरेज पे, मतलब एवरेज मतलब पोल्स इक्वेटर सबका एवरेज एक वैल्यू। फिर माउंट एवरेस्ट 8.8 किलोमीटर हाई है, तो उधर भी 9.8 ही रहता है, इतना फर्क नहीं पड़ता, माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ जाओगे तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतना ही रहेगा, लेकिन अगर मैन मेड मून जो मैक्सिमम हाइट पे गया है 36.6 किलोमीटर, तो थोड़ा फर्क पड़ता है 9.77, बट ऑलमोस्ट 9.8 होंगे,
लेकिन अगर टिपिकल वेदर सैटेलाइट देखोगे जो 400 किलोमीटर हाई, तो ये 8.7 हो गया, पूरा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डिफरेंस है। और कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो 35,700 किलोमीटर पे, उधर तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वेरी लेस, यू कैन सी 0.225, है ना। तो ये टेबल दिया गया, एकदम ज्यादा हाइट होगी तो फर्क आएगा, वरना थोड़े से थोड़े किलोमीटर से फर्क नहीं आता इतना। तो दो चीजें हैं, एक एक अगर हम इक्वेटर पे के पोल पे, उसकी वजह से जी चेंज होगा, एक इतनी हाइट पे उसकी वजह से जी चेंज होगा, मतलब आर चेंज होगा, आर की वजह से स्मॉल जी क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा। और तीसरा है, अगर हम हाइट पे ना जाए, हम डेप्थ में जाए, अर्थ के अंदर जाए, तो क्या होगा। तो अगर हाइट पे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, जितना जी स्मॉल जी कम हो रहा है, वैसे अगर हम अंदर जाएंगे, मतलब ऐसा लगता है अब जी बढ़ना चाहिए, क्योंकि अर्थ के पास जा रहे हैं और अर्थ के डेप्थ में जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ना चाहिए। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ऐसा होता नहीं है, इधर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाता है। क्यों? आर तो कम हो रहा है, आर कम हो रहा है तो स्मॉल जी बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये है, जी इज इक्वल टू जी एम अपन आर स्क्वायर। तो अगर आर कम हो रहा है, डेप्थ में जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, तो आर कम हो रहा है, जी बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि एम पे फर्क आता है, मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हम अगर डेप्थ में जा रहे हैं, तो कितने मास का एक्सेलरेशन हम पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम पे एक्ट कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। मतलब ये देखो, एज वी गो इनसाइड द अर्थ, वैल्यू ऑफ जी शुड इंक्रीज एज पर द फॉर्मूला। पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि वैल्यू एफ एम टू बी यूज इन द इक्वेशन डिक्रीजेस, कितना पार्ट ऑफ अर्थ है जो हमारे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है। जो हम अर्थ के अंदर चलेगा, अगर 10 किलोमीटर अंदर चलेगा, तो पूरा 10 किलोमीटर की रिंग जो अर्थ की है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स हम पे एक्ट नहीं कर रहा है, वो तो हमारे से बाहर है, तो बाकी का एक्ट कर रहा है। तो मास की वैल्यू, एम की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो एम डिक्रीज हो जाता है, इसलिए वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है इवन व्हेन वी गो डीप इनसाइड द अर्थ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हमने स्टार मार्क कर दिया। फिर आगे है, तो ये तीन याद रखने आपको, चेंजेस इन वैल्यू ऑफ जी, फिर थिंक अबाउट इट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विल द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज एज वी गो इनसाइड द अर्थ? नो, डायरेक्शन तो वही रहेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो वो चेंज नहीं होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ? एकदम सेंटर ऑफ द अर्थ पे चले गए, सेंटर ऑफ द अर्थ से ही ग्रेविटेशनल पुल आ रहा है, तो मास जो एक्ट कर रहा है वो तो जीरो हो गया हम पे, मास भी जीरो हो गया, रेडियस भी जीरो हो गया, तो जी की वैल्यू क्या रहेगी? ऑफकोर्स जीरो। तो ये थिंक अबाउट इट के आंसर है। फिर वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून, मून पे कितना होता है? तो मून का एक्चुअली ऑन द मून 1/6 होता है, तो जी की वैल्यू ऑन मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑन अर्थ। ये भी एक फैक्ट है, आप कैलकुलेशन मास और उससे रेडियस से कैलकुलेशन करके भी आप देख सकते हैं कि मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। तो स्मॉल जी उसका आएगा 1/6 ऑफ दैट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो ये फैक्ट याद रखना है, 1/6। फिर नेक्स्ट टॉपिक है मास एंड वेट। तो अभी मास एंड वेट में क्या है, मास और वेट ये दो टर्म्स हम यूज करते हैं, लेकिन इसमें फर्क है, मास अलग होता है, वेट अलग होता है। क्या फर्क है दोनों में? मास क्या है? मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, कितना किलो है, ऐसा यूनिट केजी होता है, स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं आती, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। लेकिन वेट क्या होता है? वेट इज फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट, तो वेट इज इक्वल्स टू फोर्स इज इक्वल्स टू एम जी, तो ऐसा यूनिट इसकी क्या होगी? न्यूटन। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन भी होता है, और वेट का डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वेट जो है चेंज होगा, क्योंकि स्मॉल जी चेंज होता है, जैसे स्मॉल जी चेंज होगा वैसे वेट चेंज होगा, लेकिन मास जो है वो कांस्टेंट होगा, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। तो हम जब वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं, तो हमारी वेइंग मशीन क्या बताती है हमको? वेट नहीं बताती, एक्चुअली केजी बताती है, तो वो मास होता है। तो वेइंग मशीन वेट नहीं बताती, साइंटिफिकली बात करेंगे तो वेइंग मशीन मास बताती है। तो ये बात है। फिर यूज योर ब्रेन पावर है, यूज ऑफ ब्रेन पावर के दो सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल योर वेट रिमेन कांस्टेंट एज यू गो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ? तो वेट जो है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg, तो जी चेंज होगा, अगर जी चेंज होगा तो वेट कांस्टेंट कैसे रहेगा? आवर वेट विल रिड्यूस एज वी गो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाइट इंक्रीज होती है, जो हमने वेरिएशन ऑफ जी देखा एबीसी, कैपिटल एबीसी, जो हाइट से जी डिक्रीज होता है, जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे और दूर जाएंगे वैसे हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है, तो वेट इज एम जी, मतलब वेट भी कम होता है, तो आवर वेट विल रिड्यूस एज वी गो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। फिर दूसरा है, सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन अ टॉल लैडर,
इफ योर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 2 आर, वॉट विल बी योर वेट? मतलब अगर आप टॉल लेडर पे हो, वेट इज एफ, दैट इज ये न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स कितना होता है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हम टॉल लेडर पे है तो ऐसे इतना दूर है कि हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ से डिस्टेंस डबल हो गया, मतलब जितना अर्थ है उतना दूर हम चले गए, तो 2 आर हो गया। तो 2 आर हो जाएगा तो न्यू वेट क्या होगा, जी एम एम अपॉन 4 आर स्क्वायर, तो मतलब 1/4 हो जाएगा हमारा वेट, इतना दूर चले गए अर्थ से तो 1/4 ऑफ वेट हो जाएगा। फिर सॉल्ट एग्जाम्पल्स है, सॉल्ट एग्जाम्पल्स जैसे मैंने कहा हम सेपरेटली देखेंगे, ये वेट ऑफ मून, वेट ऑन मून 1/6 ऑन वेट ऑफ अर्थ, ऑलरेडी सेम चीज वापस आई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 1/6 है, तो एम जी मास तो चेंज नहीं होता, तो वेट भी एक्चुअली 1/6 होगा ऐसे। फिर अगला बॉक्स है डू यू नो में ग्रेविटेशनल वेव्स का। तो अब ये ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होते हैं, तो हमने जब पीपीटी में डिस्कस किया था, जो वीडियो बनाया था ग्रेविटेशन का, उसमें हमने डिस्कस किया था ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और ग्रेविटेशनल वेव्स। तो ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो अलग अलग वेव्स, वेवलेंथ पे अलग अलग वेव्स होते हैं, जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, जो विजिबल लाइट के रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज। तो ये लाइट के अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अलग अलग वेव्स होते हैं। उसमें से ये हमको ये सब पता है, लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल वेव्स की। तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स भी वेव्स एमिट करते हैं और उनको ग्रेविटेशनल वेव्स बोलते हैं। और ये ग्रेविटेशनल वेव्स एग्जिस्ट करते हैं ये पहले नहीं पता था। ये कब पता चला, जब आइंस्टाइन ने इसको डिस्कवर किया। तो ये ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। तो हमारा ये टेक्स्ट में जो है तो ये यही लिखा है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये लिखा है, लाइट वेव्स, जो विजिबल लाइट है, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, दीज आर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स भी वेव्स एमिट करते हैं, उनको कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। तो ये वेव्स बहुत वीक होते हैं और ये बहुत डिफिकल्ट है इनको डिटेक्ट करना, इनको पकड़ पाना। तो आइंस्टाइन ने इनके बारे में प्रिडिक्ट किया था 1916 में कि ग्रेविटेशनल वेव्स एग्जिस्ट करते, और अब साइंटिस्ट ने इसका इंस्ट्रूमेंट बनाया डिटेक्ट करने के लिए, उसका इंस्ट्रूमेंट का नाम है लीगो। तो ये आपको याद रखना है, लीगो इज लेजर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, लीगो। तो ये लीगो एक्चुअली यूएस में भी लोकेटेड है, वर्गो करके वो यूरोप में भी लोकेटेड है, और इंडिया में इंडिगो करके भी हम डेवलप कर रहे हैं यूएस असिस्टेंस से। तो ये ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, तो ये ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करते हैं, और इंडियन साइंटिस्ट ने भी इस डिस्कवरी में काफी हेल्प की है, काफी कंट्रीब्यूशन किया है। तो ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई। फिर आता है फ्री फॉल। अब फ्री फॉल क्या होता है, तो यहाँ पे एक ट्राई दिस है, टेक अ स्मॉल स्टोन, होल्ड इट इन योर हैंड। अगर हम स्टोन को एक हाथ में पकड़ेंगे तो उसके ऊपर कौन से फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, विच फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द स्टोन? तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, नो? फिर उसके बाद जो नो फ्रिक्शनल फोर्स है अर्थ एयर की वजह से, तो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय एयर, बॉयंट फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वो सारे जो जनरल फोर्सेज जो होते हैं एटमोसफियर में वो एक्ट करेंगे स्टोन के ऊपर। है तो हमारे हाथ में, हमारे हम भी जो फोर्स लगा रहे वो भी उसके ऊपर है, हमारे फोर्स की वजह से वो हाथ में ऊपर है, नहीं तो वो तो गिर जाता। तो ये फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। नाउ रिलीज द स्टोन लिखा है, अभी अगर हम स्टोन को रिलीज कर देंगे तो क्या होगा, सीधे जाके नीचे गिरेगा। तो कौन से फोर्सेस अब एक्ट कर रहे हैं, सारे बाकी फोर्सेस एक्ट करेंगे एक्सेप्ट फोर्स बाय अस, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर, बॉयंट फोर्स, तीनों एक्ट करेंगे, कंटिन्यू टू एक्ट ऑन द स्टोन, ओनली अपना फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय अस हट गया। तो ये है, तो ये ट्राई दिस करके है। अब इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा है कि whenever an object moves under the influence of the force of gravity alone, it is said to be falling freely. मतलब buoyant force नहीं लगना चाहिए, buoyant force मतलब atmosphere की वजह से force लगता है, और frictional force air की वजह से भी, air के साथ जो friction होता है उसकी वजह से भी एक force होता है, जिसकी वजह से speed कम हो जाती है actually. तो free fall कब होगा, जब कोई और force नहीं होगा, no buoyant force, no frictional force due to air, सिर्फ gravitational force act कर, तो free fall बोला जाता है उसको। तो ये actually free fall का यहाँ पे क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक के पीछे, व्हाट इज फ्री फॉल, तो ये इसका आंसर यही है। तो ड्यूरिंग फ्री फॉल, फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड बॉयंट फोर्स आल्सो एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। सो ट्रू फ्री फॉल नहीं होता है, ट्रू फ्री फॉल इज ओनली पॉसिबल इन वैक्यूम, जब बाकी सब फोर्स नहीं एक्ट करते। और इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग हमने वीडियो देखा है अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट, जिसका एक्चुअली लिंक भी आपके बुक में दिया गया है, तो वो यहाँ पे ये लिंक आप ये YouTube वीडियो हमारे जो हमने किया था पीपीटी उसके अंदर भी हमने पूरा वीडियो देखा कि कैसे एक फेदर और एक बॉलिंग बॉल, हैवी बॉल कैसे जो है वैक्यूम में साथ में नीचे आते।
फ्री फॉल तब दोनों का हो रहा है, लेकिन फोर्स अलग है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, दोनों सेम स्पीड पे नीचे आ रहे हैं, लेकिन जब वो टकराते हैं तो फेदर तो सिर्फ गिर जाता है, लेकिन जो बॉल है वो पूरा फोर्स लगा के वो पूरा इम्पैक्ट करता है ऑन द वुड ऑन द सर्फेस। तो ये जो है एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल रिमेन द सेम, ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होता है मास की वजह से, क्योंकि उसके अंदर फॉर्मूले में आते हैं ना एम एम वन अपॉन आर स्क्वायर, तो मास उसमें इफेक्ट करता है, जी में इफेक्ट नहीं करता। फिर यहाँ पे न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो भी न्यूमेरिकल से वो सॉल्व करने के लिए तीन इक्वेशन आने चाहिए, न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये प्लीज आपको याद रखना है। तो ये इधर अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को एक हाइट से नीचे जा रहे हैं, तो अगर एक ऑब्जेक्ट हाइट से नीचे जा रहा है तो इनिशियल उसकी वेलोसिटी जो है, क्योंकि v इज इक्वल टू u प्लस at में u जो है, u इज इनिशियल वेलोसिटी, तो u जीरो होगा। तो ये सारे फॉर्मूले में अगर हम u को जीरो कर देंगे और एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, तो a को g से रिप्लेस कर देंगे, तो ये तीन फॉर्मूले ऐसे बन जाएंगे जो बॉक्स में लिखे, तो इससे ही आया ये, है ना। तो न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे बन जाएंगे अगर ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स एंड, तो और दूसरी बात है कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ये तो नीचे जाने के फॉर्मूले हुए, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा होगा, माइनस साइन आ जाएगी, माइनस जी हो जाएगी। तो ये एक पॉइंट हमको और याद रखनी है, नीचे आ रहा है तो जी है, ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन इज माइनस जी। और फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ स्टार मार्क किया हुआ है कि मून और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मूविंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, दस दे आर इन फ्री फॉल, और ग्रेविटेशनल फील्ड ही उनके ऊपर एक्ट कर रही है, लेकिन उनका खुद का फोर्स भी है, वेलोसिटी है, जिसकी वजह से वो लोग मूव कर रहे हैं, तो वो पाती भी है, नहीं तो वो डायरेक्टली अर्थ पे टकरा जाते हैं। तो ये फिर डू यू नो, मैं यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ है रिगार्डिंग दैट एक्सपेरिमेंट जो हमने बात की अभी, कि दो ऑब्जेक्ट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास और एनी अदर प्रॉपर्टीज अगर हाइट से गिराएंगे तो फॉल फ्रीली फॉल होगी और अर्थ पे सेम टाइम पे पहुंचेगी। तो गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था इटली में पिज़ा में, और अभी भी ये साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया फेदर और हैवी स्टोन का, हैवी बॉल का एक्चुअली। तो फेदर एक्चुअली दोनों साथ में नहीं गिरते, जब एक्सपेरिमेंट हमने ये वीडियो देखा है, प्लीज पीपीटी का वाला वीडियो जो हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो है, वो आप सेकेंड पार्ट देखिए, उसमें ये कवर्ड है कि फेदर और हैवी स्टोन कैसे हम गिराते हैं। तो एक्चुअली दोनों साथ में नहीं आता, फेदर धीरे धीरे आता है, हैवी स्टोन फट से नीचे आ जाता है, तो ये एक्चुअली फिर दोनों साथ में आने चाहिए तो गलत है, लेकिन ये गलत नहीं है। क्यों ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फेदर के ऊपर बॉयंट फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर एक्ट कर रहा है, और स्टोन हैवी है तो उसके ऊपर इतना वो इसका इफेक्ट नहीं आता है, तो वो स्टोन फट से आ जाता है, लेकिन इन पे एक्ट कर रहा है। अगर हम ये सारे फोर्सेस निकाल दे, एयर निकाल दे, तो वैक्यूम हो जाएगा, तो वैक्यूम जब हो जाता है तब दोनों फेदर और स्टोन साथ में अर्थ पे आते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट में हमने देखा है, प्लीज श्योरली ये एक्सपेरिमेंट देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। फिर आते हैं सॉल्व एग्जांपल्स जो हम बाद में देखेंगे, सब सॉल्व एग्जांपल्स का एक वीडियो बना के पूरा हम कवर करेंगे सॉल्व एग्जांपल्स। फिर यूज योर ब्रेन पावर है यहाँ नीचे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज हायर ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ लार्जर मास, फोर्स तो ज्यादा है ही, तो व्हाई डजंट दैट ऑब्जेक्ट फॉल डाउन विद हायर वेलोसिटी एज कंपेयर टू एन ऑब्जेक्ट विद लोअर मास। अभी हमने डिस्कस किया वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, एफ चेंज होगा, जी चेंज नहीं होगा। तो ये देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम एम अपॉन आर स्क्वायर और एफ इज इक्वल्स टू एम जी ऑल्सो, तो ये हमने वही फॉर्मूला डिराइव किया, जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जब ये जी है, जी में मास नहीं आता तो जी का चेंज नहीं होता, वेलोसिटी चेंज नहीं होती, लेकिन फोर्स में जब स्मॉल एम आता है तो फोर्स चेंज होगा, फोर्स ज्यादा होगा बट वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम रहता है। तो ये तो आपको ऑब्वियसली आंसर आ जाना चाहिए, अब इतना इधर तक एक्सप्लेनेशन समझा दो। फिर नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से पहले सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो समझ लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और स्टेट, हाइट पे होगा तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगा, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, फॉर्मूला ही mgh है, तो अगर h जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और यहाँ जी की भी वैल्यू आती है, तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट, मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है, तो ये भी एक पॉइंट है। तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ पे बहुत हाइट पे है तो वैल्यू ऑफ जी जीरो हो जाएगी, तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। तो ये है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे फिर
एम और आर तो मास एंड रेडियस है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच, जी इज जी एम अपॉन आर, है ना, जी एम अपॉन आर, या जो एच है तो ये आर प्लस एच है, यहाँ पे भी और एक आर प्लस एच आएगा, तो ये एम एम आ गया और एच एक हट गया, एम जी एच में हमने जी की वैल्यू डाली एक्चुअली, तो स्मॉल एम जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर या आर प्लस एच जो भी समझो, तो ये माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फिर लास्ट टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी, तो एस्केप वेलोसिटी के लिए न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, कि अगर एक बॉल हम ऊपर फेंक रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी, है ना, ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी, एक पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे, और फिर बॉल वापस नीचे आएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as जो न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसके अंदर v इज फाइनल वेलोसिटी, तो जब बॉल ऊपर जा रहा है तो ऊपर फाइनली उसकी वेलोसिटी जीरो हो रही, तो v को हमने जीरो कर दिया, और a माइनस जी है क्योंकि बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स में जी होता है, अपवर्ड्स में माइनस जी, तो जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू माइनस जी एस, मतलब s इज इक्वल टू कितना, माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू जी, तो ये इनिशियल वेलोसिटी u, और ये u कितना होगा इनिशियल वेलोसिटी, हायर द इनिशियल वेलोसिटी लार्जर इज द हाइट रीच्ड बाय द बॉल, तो इनिशियल वेलोसिटी जितना ज्यादा हम देंगे उतना ज्यादा ऊंचाई पे बॉल जाएगा, ये ऑब्वियस है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है कि इतना ज्यादा स्पीड दिया हमने कि बॉल अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल को छोड़ दे, तो एन ऑब्जेक्ट गोइंग वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू द एस्केप वेलोसिटी एस्केप्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के पुल के बाहर चला जाता है, तो उसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, तो यहाँ पे वही है फॉर्म कैलकुलेशंस करके, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम एम अपन आर जो हमने ऊपर डिराइव किया इधर, तो ये जो आता है इस दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी आएगा, तो ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे, लेकिन अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, टोटल एनर्जी जीरो, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो अगर फाइनली जो डिस्टेंस पहुंचेंगे उधर तो वहां पे वी तो जीरो हो जाएगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, जहां तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, जाके स्टॉप हो जाएगा मार्स ऑब्जेक्ट, और पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एम एम अपॉन आर, तो रेडियस भी इनफाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, वन अपॉन इनफिनिटी जीरो, तो ये भी जीरो हो गया, तो सरफेस ऑफ द अर्थ पे ऐसा होगा और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जीरो होगा टोटल एनर्जी, तो यही है, इससे हमने वी एस्केप वेलोसिटी ढूंढ लिया कि अगर प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या होता है, E1 E2 इक्वल होना चाहिए, मतलब दिस इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब वी एस्केप वेलोसिटी जो है वो कितना होगा, ये 2 को यहाँ से न्यूमरेटर में ले लिया, जी एम अपॉन आर, एम एम कैंसिल हो गया स्मॉल एम, तो रूट 2 जी एम अपॉन आर, तो ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है, और जी एम एम अपॉन जी एम अपॉन आर इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज स्मॉल जी, तो या तो रूट 2 जी एम अपॉन आर या 2 जी इंटू आर, दो फॉर्मूले है वी एस्केप वेलोसिटी के, और जी तो हमको पता है 9.8 अर्थ पे, रेडियस ऑफ अर्थ भी पता है, तो इसका फॉर्म यूनिट जो वैल्यू आ जाती है एस्केप वेलोसिटी की वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी, तो ये हो गया, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर अगर कोई चीज जाएगी, इतनी स्पीड होगी उसकी, तो मतलब जैसे रॉकेट्स की वगैरह की जो स्पेस में जा रहे मार्स वगैरह पे, तो उनकी ये स्पीड चाहिए, तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप कर सकते हैं। और फिर ये डू यू नो में लास्ट बॉक्स है एक्सरसाइज से पहले, वेटलेसनेस इन स्पेस, तो मतलब स्पेस में वेटलेसनेस फील होता है, मतलब स्पेस क्राफ्ट में अगर आप हो गए तो वैल्यू ऑफ जी उधर जीरो नहीं होता, स्पेस क्राफ्ट अगर अभी भी अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में तो जी जीरो नहीं है, एक हाइट पे स्पेस क्राफ्ट है, लेकिन उसकी वजह से वेटलेसनेस उसकी वजह से नहीं आ रहा है, फ्री फॉल की वजह से आ रहा है वेटलेसनेस, फ्री फॉल क्यों, क्योंकि और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल डज नॉट डिपेंड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब इफ अ ट्रैवलर रिलीजेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम हर हैंड व्हाइल इट विल रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू हर एंड विल अपीयर टू बी वेटलेस, समझ में आ रहा है, मतलब कि हम स्पेस में जैसे है, अगर हम स्पेस में हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, कम है लेकिन एक्ट कर रहा है, तो जितना एक्ट कर रहा है उतना ही है, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा होता तो हम तो अर्थ के अंदर पूरा अट्रैक्ट होके पूरा चले जाते, अर्थ पे हमारा फॉल हो जाता, तो सैटेलाइट के ऊपर भी एक लिमिट तक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, वो सैटेलाइट वो पोजीशन में है, कम है ग्रेविटेशनल पुल कम है, तो वो स्पेस में जब हम सैटेलाइट में होते हैं तो
तो वहां पे हम भी हवे में फ्लोट हो रहे होते हैं, जैसे हम देखते कई बार नो वेटलेसनेस, तो कैसे होगा? मतलब अगर समझो एक हाथ में अगर एक एप्पल है, तो एप्पल को अगर हमने हम भी सैटेलाइट में उड़ रहे, हवे में उड़ रहे, तो हवे में उड़ रहे मतलब हमारे ऊपर जितनी ग्रेविटी एक्ट कर रही है उतनी ही ग्रेविटी एक्ट हो रही है, हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है नीचे आने के लिए क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल कम है। वो एप्पल को भी हमने हवे में छोड़ा तो वो एक पॉइंट पे आ गया, तो हवे में है एक पॉइंट पे क्योंकि उतना ग्रेविटेशनल पुल अर्थ एप्पल पे भी है, अर्थ उसको उतने पोजिशन तक पुल कर रहा है और नहीं है ना। और जमीन पे होगा तो एप्पल तो धड़ से नीचे गिरेगा, लेकिन वो पोजीशन पे एप्पल उतने पोजीशन तक ही अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में है, उतना वो पोजीशन तक रहता है। तो ये पॉइंट है, वेटलेसनेस इज रिलेटिव इन स्पेस, वो एक्चुअली जो है फ्री फॉल है क्योंकि और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है उस पर, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा है। तो यही बात यहाँ लिखी है कि वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल है, डज नॉट डिपेंड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इफ अ ट्रैवलर रिलीजेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हैंड, इट विल रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू हर। हमको लग रहा है कि वो एप्पल छोड़ दिया वहां पे, तो हवे में ऐसे ही एप्पल लटक गया, हमारे लिए वो स्टेशनरी है, लेकिन अगर अर्थ से देख रहे तो एप्पल एक साइड पे है, वहां पे अर्थ उसकी ग्रेविटेशनल पुल से वहां तक उसको स्पेसक्राफ्ट को एप्पल को वहां तक रोके हुए, उसके अट्रैक्शन में है, उससे ज्यादा फोर्स नहीं है क्योंकि इतना दूर है, हाइट जितनी दूर होगी उतना ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा ऐसे। तो वो बात है, तो यही है। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, इसके बाद हम सेपरेटली वीडियोस में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी देखेंगे, और सेपरेटली एक वीडियो में सॉल्व एग्जांपल्स भी देखेंगे, और सेपरेटली एक वीडियो में न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी कवर करेंगे। तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल्स, तो फॉर्मूले कंसेप्ट और न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बार बार वीडियोज को देखिए, जब तक समझ में नहीं आता, कोई डाउट है तो उसको क्लैरिफाई कर सकते आप। थैंक यू। Subscribe to our YouTube channel and click the bell icon to never miss any new updates.